आप यहाँ से ईशान किशन के आगे केएल राहुल को खिलाएंगे? बहुत जल्दी बोला, अभी एक इनिंग आई, शानदार आई है, पर केएल राहुल के अब प्रूवन मैच विनर बन चुके हैं। नंबर 5 पे उनका आंकड़े बहुत शानदार है, इसीलिए राहुल द्रविड़ को पता है क्लैरिटी ऑफ माइंड हमेशा। मोहम्मद शमी यहाँ ड्रॉप हो गए, तो ये जब वापस केएल राहुल टीम में आएंगे तो केएल राहुल ही खेलने वाले हैं। ईशान किशन को वेट करना पड़ेगा। हाँ, उनकी जगह किशन आए, अच्छा खेले, तो लगता है मैच भरा जीत भी जाए, इनको मैन ऑफ द मैच मिल जाए, सब कुछ मिल सकता है। पर जिस तरीके से शमी से आज ड्रॉप करके सिराज को खिलाया गया, उसी तरह हो सकता है केएल राहुल जो अपनी जगह बना चुके पहले वही खेलने वाले हैं। तो ओवरऑल अभी और मेहनत करनी है, लगातार स्कोर करते हैं, जो अपना काम कर रहे हैं वो सीरीज में स्कोर किया, स्लो पिच थी वहाँ रन बना के आ रहे हैं, उनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं कि ग्राफ नीचे आ रहा है, ग्राफ ऊपर जा रहा है, खेलते खेलते वो बेहतर हो रहे हैं। बांग्लादेश गए, वहाँ डबल सेंचुरी मार दी, बड़ी बात है, ओपनिंग जाके डबल सेंचुरी मारना बहुत बड़ी बात है। ओडीआई में तो हर क्लास है, टैलेंट है, पर मुझे लगता है कि केएल राहुल को रिप्लेस अभी नहीं कर पाएंगे। केएल राहुल बहुत साल से टीम के साथ जुड़े हैं, इंजरी की वजह से बाहर हुए हैं, वो खराब नहीं खेल के बाहर हुए, खराब इंजरी की वजह से बाहर होके इसके अगर फिट होकर आएंगे तो वही खेलने वाले हैं। करेक्ट फॉर्म देखिए, मेरा सिर्फ एक ही सवाल है, नाम ज़रूरी है या फॉर्म? वर्ल्ड कप जीतने के लिए नाम ज़रूरी है या फॉर्म? 5 नंबर पे केएल मेरे ख्याल से ही, अगर यही चार, यही अगर 450 रोहित शर्मा या विराट कोहली ने बनाए होते तो क्या आप तब भी ये कहते हैं कि केएल राहुल उनको रिप्लेस करेंगे? इसीलिए अभी वेट करना पड़ेगा। पॉइंट मेरा नहीं, पॉइंट मेरा ये है कि आप जब वर्ल्ड कप जीतने की तैयारी करते हैं ना, तो आप नाम नहीं देखते, आप प्लेयर का फॉर्म देखते हैं। जो प्लेयर आपको वर्ल्ड कप जिता सकता है, जो प्लेयर आपको अंदर जाके परफॉर्म करके दे सकता है, ईशान किशन ने ऐसा कुछ, मेरे को लगता है ईशान किशन ने हर चीज़ वो करी है कि वो फ्रंट रनर होने चाहिए, क्योंकि वो ईशान किशन है, क्योंकि आज वो इतनी ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट नहीं खेल रहा, तभी हम ये बोल रहे हैं कि केएल राहुल को उससे पहले खेलना चाहिए। लेकिन यही अगर ईशान किशन की जगह आप विराट कोहली या रोहित शर्मा को रखें, तो क्या केएल राहुल विराट कोहली और रोहित शर्मा को रिप्लेस करेंगे? नहीं करेंगे। तो इसलिए मेरा हमेशा ये मानना रहता है कि नाम की तरफ मत जाइए, एक ने परफॉर्म किया है और एक परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। मैं मान सकता हूँ कि आप ये कहें कि एक खिलाड़ी नंबर 5 पे प्रूवन परफॉर्मर है, लेकिन एक खिलाड़ी जिसने पहली बार नंबर 5 पे बल्लेबाजी करी है पाकिस्तान की गेंदबाजी के खिलाफ, और वो भी इतने प्रेशर में, अगर वो आपको 82 रन बना के देता है और इस क्वालिटी के 82 रन बना के देता है, तो फिर आप उन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। यही अगर ईशान किशन ने ओपन करके 82 बनाए होते, और फिर अगर आप ये मुझसे कहते हैं कि अगर केएल राहुल मिडिल ऑर्डर में आके खेले और ईशान किशन ने ऊपर रन बनाया तो आपको डिबेट कर सकते थे, लेकिन आज ईशान किशन ने मिडिल ऑर्डर में नंबर 5 पे रन बनाए, और वो भी जो हम बात कर रहे थे जिस क्वालिटी अटैक के सामने रन बनाए। वर्ल्ड कप जीतने के लिए सिर्फ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, फॉर्म, नाम नहीं।